The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. इस क्वेश्चन में आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये हाइट 14 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको इसके बेस का डायमीटर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. नाउ आपको मालूम है कि अगर आपने इसका रेडियस फाइंड कर लिया बेस का तो उसका डबल जब आप करेंगे रेडियस का तो आपको डायमीटर मिल जाएगा. मतलब डायमीटर फाइंड करने से पहले हमको इसका रेडियस फाइंड करना होगा. तो मैं रेडियस को आर यहाँ पे अज्यूम कर लिया हूँ. लेट अस सी द सॉल्यूशन. लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस. सिलेंडर का ये बेस कैसा सर्कुलर, हमने इसका रेडियस को आर अज्यूम कर लिया है और गिवन क्या है हमको, वी आर गिवन दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर. ऑल्सो वी आर गिवन हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर. मैं हाइट को एच से डिनोट कर रहा हूँ. नाउ वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2πRh होता है, ये हमको मालूम है. तो ये फार्मूला 2πRh और हमको CSA की वैल्यू पता है 88, तो मैं दोनों को इक्वेट करूँगा. मतलब जो 2πRh है वो कितना गिवन है हमको 88. रेडियस यहाँ पे अननोन है आर, तो मैं यहाँ पे आर को लिख सकता हूँ एज 88 अपॉन ये 2π और एच को आप जब RHS में ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 2π और ये एच. ठीक, नाउ आर इक्वल्स टू 88 अपॉन 2π आपके पास होता है 22/7, 22 अपॉन 7 का 7 ऊपर चले जाएगा और हाइट आपके पास है एज 14. कैलकुलेशन बहुत ईजी है क्योंकि देखिए 2 × 22 ये होता है 44 और 44 टू जो होता है 88, 7 टू जो 14 और नीचे 14 है, सब कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 1 और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया और हाइट सेंटीमीटर में थे तो रेडियस भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा. लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, डायामीटर. नाउ वी नो दैट डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस अभी आपने फाइंड किया है 1, तो 2 × 1 ये क्या हो जाएगा 2, यूनिट अगेन सेंटीमीटर. हेंस डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस इज 2 सेंटीमीटर. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी'd लव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.